ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिरमौर में एक छोटे से गांव में स्थित बद्री का आश्रम, जहां महिलाओं को सुदृढ़ स्वावलंबी बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। बद्री का आश्रम द्वारा अब तो गांव को गोद लिया गया है। इन गांव के कायाकल्प करने के लिए बद्री का आश्रम के संस्थापक ओम साई हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सिरमौर में एक छोटे से गांव में स्थित बद्री का आश्रम, जहां महिलाओं को सुदृढ़ स्वावलंबी बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। बद्री का आश्रम द्वारा अब दो गांव को गोद लिया गया है। इन गांव की कायाकल्प करने के लिए बद्री का आश्रम के संस्थापक ओम साई हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जहाँ इस आश्रम में मन की शांति के लिए लोग देश विदेश के कोने कोने से आते हैं, वहीं आसपास के गांव की महिलाओं को निशुल्क सिलाई सिखाकर उन्हें स्वावलंबी बनाया जा रहा है। यहां से सिलाई सीखकर अब महिलाएं आत्मनिर्भर होने लगी हैं। आश्रम द्वारा जहां गांव की प्रत्येक बेटी को 250 रुपए पढ़ाई के लिए दिए जा रहे हैं, वहीं गांव के घरों में जो भी उम्र में सबसे बड़ी महिला है, उसे 1000 रुपए की आर्थिक सुविधा दी जा रही है, ताकि वे स्वावलंबी बन सके। जब ओम साई से महिलाओं को दी जा रही आर्थिक मदद का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वे मानते हैं कि जिस घर में महिला आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती है, उस घर में बच्चों का संस्कार श्रेष्ठ होता है, उस घर की सोच में संकीर्णता नहीं होती। उन्होंने कहा कि देश तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक देश की महिलाओं को स्वावलंबी और स्वतंत्र नहीं बनाते। ओम साई ने कहा कि जब जब महिलाओं को अवसर प्रदान हुए हैं, उन्होंने अपने आप को साबित किया है कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी व्यक्ति को तब तक मन की शांति नहीं मिल सकती जब वे दयालु न हो। उन्होंने बताया कि देश में ऐसे गुरु हुए हैं जो दूसरों को बचाने के लिए खुद सूली पर चढ़ गए। उन्होंने बताया कि लोग गुणवान, धनवान और स्वरूपवान हो सकते हैं, लेकिन जब तक वे दयालु नहीं है, वे मन की शांति नहीं पा सकते। मैं ऐसे घर में पैदा हुआ जो कि बहुत मिडिल क्लास था। मेरे दोनों माँ बाप ने सारी जिंदगी नौकरी की, अभी वो दोनों रिटायर्ड हैं। तो मैंने यही देखा है बचपन से कि जिस घर में महिला स्वतंत्र होती है फाइनेंशियली, वो घर में बच्चों का संस्कार हमेशा श्रेष्ठ होता है। उस घर की सोच संकीर्ण नहीं होती, क्योंकि माँ भी बाहर जा रही है, माँ भी काम कर रही है। वो जब आके घर बच्चों को ज्ञान देती है, कोई बात बताती है, तो उस बात में एक दम होता है। तो हम देश में उन्नति कर ही नहीं सकते जब तक हम महिला वर्ग को साथ लेकर नहीं चलेंगे। और आज के युग में तो इसमें तो संशय ही नहीं है, दो राय ही नहीं है कि जब जब हमने अवसर दिया है महिलाओं को, इन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया है। हमको एक ऐसा सिस्टम तो बनाना चाहिए जो कंड्यूसिव हो, जो सहयोगी। केवल ध्यान या भक्ति से मन को शांति नहीं मिल सकती जब तक हृदय में दयालुता नहीं है, जब तक काइंडनेस नहीं है, जब तक कंपैशन नहीं है। इतने इस भारत देश में इतने एक से बढ़कर एक संत हुए। मेरे जन्म पंजाब का है, पंजाब में तो 10 गुरु हुए इतने श्रेष्ठ। एक ने एक इतने उदाहरण प्रस्तुत किया कि कंपैशन के लिए, मतलब दूसरों को बचाने के लिए स्वयं सूली पर भी चढ़ गए। तो जिस भूमि में, जिस धर्म में हम दयालुता नहीं सिखाएंगे, जिस व्यक्ति के, इंसान के हृदय में हम करुणा का भाव नहीं जागृत करेंगे, वो व्यक्ति शांत नहीं हो सकता। धनवान हो सकता है, ज्ञानवान हो सकता है, स्वरूपवान हो सकता है, शांत नहीं हो सकता। प्रतिष्ठा हो सकती है, पर शांति नहीं।